नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में हाइड्रोजन जनरेशन के वेरियस मेथड्स के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि उन जनरेशन मेथड्स के ही नाम पर हाइड्रोजन का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हाइड्रोजन का जनरेशन किया जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हाइड्रोजन का जनरेशन होता है, जिसे कि डार्क हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब लाइट नहीं होता है तो हाइड्रोजन का जनरेशन करते हैं। परंतु डार्क हाइड्रोजन कहिए, ब्लू कहिए, ब्लैक कहिए, ग्रे कहिए, ग्रीन कहिए, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन हमेशा वही स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन गैस है। उसका कोई कलर नहीं होता है, सिर्फ जनरेशन मेथड के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह हाइड्रोजन पिछले 4-5 सालों से इतनी ज्यादा चर्चा में है क्यों? तो इसका रीजन यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आविष्कार। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो खोज है वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कार, ट्रक, बस, ट्रेन, इन सब के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। इस समय सड़क पर आपको इधर उधर बहुत सारी गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं और यकीन मानिए इनमें से 95% गाड़ियां फॉसिल फ्यूल से चल रही हैं और मात्र 5% गाड़ियां बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इन बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 5% में से भी 95% ई रिक्शा होंगे या ई बस होंगे जो लोकल यूज के लिए होंगे। बाकी 5% में भी केवल कारें होंगी जो कि जिन्हें ई व्हीकल कहा जाता है या ई कार कहा जाता है। अब एक एक करके डिटेल में सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल ऑपरेटेड 95% कारें हैं, ये कारें बहुत ही अच्छी हैं। इनका पिकअप बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा है, एक बार टंकी फुल कर देने पर ये 500,000 किलोमीटर तक जा सकती हैं और रिफिल करने में मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगता है। परंतु इन गाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या है इनसे निकलने वाला एक झास CO2 जो कि एटमॉस्फेयर को इतना पॉल्यूट कर देता है कि आने वाले 10 सालों में अर्बन सिटीज में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिना मास्क के आप सड़क पर चल नहीं पाएंगे। दूसरा, इन फॉसिल फ्यूल ऑपरेटेड कार का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिन कंट्रीज में तेल का उत्पादन यानी फॉसिल फ्यूल का उत्पादन, क्रूड ऑयल, नहीं होता है, वो कंट्रीज अपना बहुत बड़ी रकम, एक मोटा पैसा इन तेल को खरीदने में खर्च करती हैं। इसको देखते हुए एक सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता हुई तो मार्केट में आई ये 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बैटरी ऑपरेटेड है। सोच के तो यह लाया गया था कि ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल क्रांति ला देंगी, परंतु एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की कुछ कमियां हैं, पहले कमियां पर बात कर लेते हैं। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है चार्जिंग टाइम, यानी एक बार चार्ज करने पर ये गाड़ी 100 से 300 किलोमीटर तक जाती हैं और इनका चार्जिंग टाइम 30 मिनट से लेकर के 8 घंटे तक का होता है। इनका दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप माइलेज यानी किलोमीटर बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बैटरी का साइज इतना बढ़ता जाएगा और व्हीकल इतनी भारी हो जाएगी कि आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इन गाड़ियों का माइलेज बैटरी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी गर्मी में इन गाड़ियों का माइलेज घट जाएगा और ठंडी में इन गाड़ियों का माइलेज बढ़ जाएगा। तो अब बात यह आती है कि ये ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कितना कंट्रोल करती है। तो इसको समझने के लिए इसे पहले 3 पार्ट में कंपेयर करना पड़ेगा। एक तो ईवी और फॉसिल फ्यूल कार के मैन्युफैक्चरिंग में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, दोनों की रनिंग में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, और तीसरा दोनों के स्क्रैपिंग में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, इसको ध्यान में रखना होगा। अकॉर्डिंग टू मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार सेम कैटेगरी की एक ईवी और एक फॉसिल फ्यूल कार के बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंपेयर करें तो एक ईवी के बनाने में 15.2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जबकि एक फॉसिल फ्यूल कार को बनाने में लगभग 10 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। यानी यहां पर फॉसिल फ्यूल कार को बनाने में कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। अब बात करते हैं रनिंग की। जब रनिंग की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट,
अगर हम ये माने कि दोनों सेम कैटेगरी की यानी एक सेम कैटेगरी की यूबी और सेम कैटेगरी की फॉसिल फ्यूल कार को कंपेयर करें और ये माने कि दोनों साल भर में 19,300 किलोमीटर रन करती हैं, तो एक फॉसिल फ्यूल कार लगभग 5.2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है पर एनम, जबकि उसके कंपेयर में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है पर एनम। इसमें उस सारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंसीडर किया गया है जो इस ईवी के अंदर रखे बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली बनाने में एमिट हुआ होगा। अब तीसरी बात आती है स्क्रैपिंग की, तो अकॉर्डिंग टू एल यूनिवर्सिटी दोनों ही तरह के कारों को स्क्रैप करने में लगभग सेम अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अगर इस पूरे चार्ट को कंपेयर करें यानी बनाने में, रनिंग में और स्क्रैप करने में कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें, तो लगभग 20 मंथ में यानी 20 महीने बाद ये दोनों का कार्बन एमिशन बराबर हो जाएगा और इसके बाद अब जितने दिनों तक आप ईवी चलाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उतना कम होगा। लेकिन इन कारों की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक चार्जिंग टाइम और माइलेज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें मार्केट में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके बाद आई हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड कारें, और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड व्हीकल्स भविष्य की व्हीकल्स कही जा रही हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सारी गाड़ियां इसी से ऑपरेट होंगी। परंतु यह ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो भी एक मोटर को ऑपरेट करेगी जिससे कि कार चलेगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बैटरी ऑपरेटेड होती थी जिससे कि कार चलती थी। दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी में एनर्जी स्टोर होती थी और उस स्टोर्ड एनर्जी से ही कार चलती थी, परंतु हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स में एनर्जी स्टोर नहीं होगी। अगर एनर्जी स्टोर होगी भी तो वो सिर्फ बूस्टिंग के लिए स्टोर होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी उसी समय हाइड्रोजन से जनरेट होती रहेगी और उस जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर ऑपरेट होगा और हमारी कार चलेगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि जहां पर हमको बैटरी चार्ज करके रखना पड़ता था वहां पर हमें बैटरी चार्ज करके नहीं रखना पड़ेगा, हमें सिर्फ हाइड्रोजन का टैंकर फुल करना होगा जो फॉसिल फ्यूल की तरह 5 मिनट में फिल हो जाएगा। अब आप एक थोड़ी सी संरचना समझ लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ताकि आपको हाइड्रोजन फ्यूल कार को समझने में आसानी हो। इस समय आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल कार दिखाई दे रही होगी जिसमें एक बैटरी है और एक मोटर है। इस बैटरी को आप रात भर चार्ज कीजिए और इस बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उससे इस मोटर को ऑपरेट करके आप अपनी गाड़ी को 200 से 300 किलोमीटर तक चला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बैटरी। अब आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार पे। स्क्रीन पर आपको इस समय हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसके चार मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है मोटर, दूसरा है हाइड्रोजन टैंक, तीसरा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल और चौथा है बैटरी। इस कार में जो बैटरी है उसका काम चार्जिंग को स्टोर करना नहीं, वो हम आगे बताएंगे। इसमें आपने हाइड्रोजन टैंक को फिल कर लिया, इस हाइड्रोजन सेल से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जाता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल में डाला जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का डिजाइन ऐसा है कि जब उसमें हाइड्रोजन को एनोड पर और ऑक्सीजन को कैथोड पर हम डालेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन जैसे ही एनोड पर जाएगा वो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन फ्यूल सेल के अंदर से पास होगा और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से पास होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिससे कि उसमें करंट फ्लो होगी। इस करंट से हम ये जो बैटरी लगी हुई है इसको भी चार्ज करेंगे और मोटर को भी ऑपरेट करेंगे। अब सवाल ये उठता है, इस बैटरी को क्यों चार्ज करेंगे? तो इस बैटरी को चार्ज इसलिए करेंगे कि कहीं हमको ज्यादा पिकअप की जरूरत है, ज्यादा बूस्ट करना है एनर्जी को, तो उस समय हम इस बैटरी की एनर्जी को रीयूज करके और हम अब जो है मोटर को बूस्ट करेंगे, गाड़ी का पिकअप बढ़ा सकते हैं, चढ़ाई आ गई, ज्यादा ताकत की जरूरत है तो इस बैटरी की भी एनर्जी को यूज कर लेंगे। जैसे ही चढ़ाई खत्म होगी वो बैटरी ऑटोमेटिक रीजेनरेटिव मोड में ही चार्ज हो जाएगी, उसके लिए हाइड्रोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आते हैं इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, यही चमत्कार है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में हाइड्रोजन जनरेशन का एक मेथड बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिसे कि ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम पानी में दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और उनके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सप्लाई अप्लाई करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया जाता है, पानी दो भागों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होता है। ठीक इसका अपोजिट ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस एनोड पर जब हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और हाइड्रोजन आयन बन जाता है। हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रोलाइट को पार कर सकता है, यह इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन को पार नहीं होने देता है। इलेक्ट्रॉन को पार होने के लिए एक आउटर सर्किट से फ्लो होना पड़ता है, जिससे कि उसमें एक करंट फ्लो होती है। वो आउटर सर्किट से फ्लो होकर के कैथोड पर आता है। हाइड्रोजन आयन जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट से होकर के कैथोड पे पहुंचता है और वहां पर पहले से ही ऑक्सीजन को अवेलेबल कराया गया है। ये तीनों रिएक्ट करके पानी बनाते हैं जो आपकी टेल पाइप से एग्जास्ट के रूप में निकलता है, यानी आपको इस कार के टेल पाइप से सिर्फ पानी निकलेगा। इसी को देखते हुए कुछ लोग कहते थे पानी से चलेगी कार। ये तो था हाइड्रोजन फ्यूल की वर्किंग। इस हाइड्रोजन फ्यूल में जो क्रिया होती है, इसे कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस। यानी हाइड्रोजन बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया और यहां पर उस हाइड्रोजन से हम बिजली बना रहे हैं, जिसे कि हम कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस। इस बिजली से, ये जो बिजली जनरेट हुई, इससे हम मोटर ऑपरेट करते हैं और कार चलती है। अब सवाल ये उठता है कि पहले हम बिजली से हाइड्रोजन बनाएं, फिर उस हाइड्रोजन से हम बिजली बनाएं और फिर मोटर को घुमाएं, तो उससे तो हमारी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो बिल्कुल आपका कहना सही है, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और ये कल के व्हीकल्स का एनर्जी सोर्स तभी होगा जब ये हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होगा, मतलब इस हाइड्रोजन का जनरेशन या तो सोलर से हो, या विंड से हो, या हाइड्रो पावर से हो, यानी जब हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हो तो उससे हम हाइड्रोजन जनरेट करके सिलेंडर्स में भर लें और इससे हम कार को ऑपरेट करें। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का फायदा यही है सबसे बड़ा, कि आपको बैटरी बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम, जैसे सीएनजी गाड़ियां भरते हैं या जैसे पेट्रोल भरते हैं, 2 से 5 मिनट में आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल हो जाएगा और गाड़ी चलने लगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेटेड व्हीकल को समझाने के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।